हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे साथ हुए एक रियल लाइफ घोस्ट इंसिडेंट के बारे में, जो मैंने पर्सनली महसूस किया। मैं लिटरली अपनी फटते हुए देखा है। तो बात है ये उस जमाने की, मतलब एक दो साल पहले की। हमारा एक दोस्त था जिसने एक फ्लैट लिया था, तो हम लोग चले गए पार्टी करने के लिए वहाँ पे। तो हम लोग चार लोग थे उस दिन जो उसके घर पे पार्टी कर रहे थे। तभी हमारे एक दोस्त को खुजली होती है और वो एक मनहूस आइडिया के साथ आता है रात के 12 बजे कि यार लोकेशन काफ़ी अच्छी है, चलो आसपास घूम के आते हैं रात के 12 बजे। अब पागल है क्या? और उसके छाती में घुसन मारना चाहिए था हमें, बट नहीं, पता नहीं क्यों हमें उस दिन ये आइडिया अच्छा लगा। और फिर क्या था, हमने उसको उठाई और निकल गए घूमने के लिए। फिर घूमते घूमते हम सडनली एक सुनसान रोड पर आ गए, और उस सुनसान रोड पर जाते जाते मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ किसी लड़की को सफ़ेद कपड़े में देखा। पर जब मैंने स्कूटी रोकी और पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो मुझे लगा यार रात में ऐसे ही कोई भ्रम हो गया होगा। तो फिर हम घूमते घूमते घर आ गए। तो जब हम अपने फ्लैट पे पार्टी कर रहे थे, तब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यार उस सुनसान रोड में ना मैंने एक लड़की देखी थी, वाइट कपड़े में, अजीब से बाल थे और थोड़ा अजीब से ही खड़ी थी यार। तब मेरे दोस्त एकदम हैरान हो गए और बोले, क्या तुमने भी उसे देखा? इसका मतलब वो मेरा भ्रम नहीं था। तो ऐसी बातें करते हुए हमें अराउंड रात के 2 बज गए थे, और सडनली हमें नीचे के फ्लोर से एक बच्चे की आवाज़ आती है और वो बोलता है, पापा नीचे आ जाओ पापा। तो हम सबका ध्यान उस बच्चे की आवाज़ पे जाता है, बट हम इग्नोर मारते हैं कि हमें लगता है कि कोई बच्चा अपने पापा को आवाज़ दे रहा है। बट वो सेम आवाज़ हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 7 से 8 बार सुनाई देती है। तभी हमारा एक दोस्त उसके बाप को कोसते हुए बोलता है कि यार उसका बच्चा नीचे रो रहा है, ऊपर मजे कर रहा है। ऐसा बोलते ही हमें सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलते हुए आने की आवाज़ आती है, और धीरे धीरे वो जो चलने की जो आहट थी वो बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमारी ओर ही आ रहा हो। फिर जो हुआ पूछो मत, एकदम से गेट की खटखटाने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। इस वक्त हम थोड़ा हड़बड़ा गए, क्योंकि हमें लगा है हमें यहाँ तो कोई जानता नहीं, तो इतनी रात को कौन आ सकता है। तो मेरा एक दोस्त बोला, जिसका वो फ्लैट था, कि यार अड़ोसी पड़ोसी होंगे, कुछ मांगने के लिए आए होंगे। और उसने पूछा, हेलो कौन है? आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि हमें वहाँ से क्या रिप्लाई मिला। एक भारी आवाज़ में हमें रिप्लाई मिला, पापा नीचे आ जाओ पापा। वो आवाज़ इतनी क्रीपी और डरावनी थी कि वो सुन के हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम चारों इतना डर गए थे कि हम फट से भागते हुए बाथरूम में घुसे और बाथरूम को अंदर से बंद कर दिए, और हम हनुमान चालीसा सुनने लगे ताकि हमें थोड़ी शक्ति मिले। थोड़ी देर तक ये चीज़ें चलती रही, एंड जैसे तैसे करके हमने वो रात वहाँ पे बिताई। एंड सुबह होते ही हमने वहाँ के लोगों से पता लगाया कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तब जाके हमें पता चला कि वहाँ पे किसी ने फांसी लगाई थी, और उसका एक बच्चा भी था जिसने उसे ये सब करते हुए देखा था। एंड उसके लास्ट वर्ड थे, पापा नीचे आ जाओ पापा। ये सब सुन के हमारी जो फटी है ना, हमने उसी दिन वो फ्लैट वहाँ से खाली किया और अपने घर को निकल गए। तो ये थी मेरी रियल लाइफ घोस्ट एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।